महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर आज देश भर के शिव मंदिर बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठे हैं। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक, दूध, दही, गंगा जल आदि अर्पित कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। करनाल के कस्बा इंद्री के शिव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं को भारी भीड़ देखने को मिली। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप कुमार ने बताया कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। उन्होंने कहा कि आज के दिन भक्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं और भोले की भक्ति में झूम उठते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहे अजीत समाचार वेब टीवी। ये जो शिवरात्रि का त्योहार है बड़ी शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये 8 दिन की एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और जिसमें आज सभी शिवरात्रि में उसका शोभा यात्रा का पूरा करके आह्वान किया गया और उसके बाद आज जल अभिषेक हो रहा है और उसके बाद दोपहर 12 बजे भंडारा भी होगा और भोले बाबा का आशीर्वाद ले। बोल शंकर भगवान की जय। लाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। श्रावण मास का महात्म ये है, भगवान शंकर को श्रावण मास अधिक प्रिय है। वो क्यों है? क्योंकि श्रावण मास के अंदर माता गौरा ने भगवान शिव को पाने के लिए उपासना की थी। एक महीना जो व्रत रखा था, एक महीना निराहार रहकर भगवान शंकर की तपस्या की थी, इसलिए भगवान शंकर को वह श्रावण मास अधिक प्रिय है। हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने प्रदोष व्रत होता है और शिवरात्रि भी हर महीने आती है, लेकिन दो शिवरात्रियां विशेष मानी गई है, एक फाल्गुन मास की, एक श्रावण मास की। और दोनों शिवरात्रियों में बहुत श्रद्धालु भगवान शंकर का व्रत रखते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं और भगवान की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करके भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं।